फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द टीम, बट आई हैव फुल फेथ इन द बॉयज. आई हैव फुल फेथ इन द बॉयज एंड आई नो आयोगी मायावी विल फिगर आउट अ वे टू बाउंस बैक. एंड ठीक है, आई थिंक जो भी है जो भी था हो गया. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी 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 हैप्पी फॉर माई ब्रदर स्काउट. मतलब आई डोंट नो, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी ये मैसेज लिखा कि बंदा एज अ प्लेयर झंडे गाड़ के आया, एज अ स्ट्रीमर झंडे गाड़ चुका है, एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर वो झंडे गाड़ चुका है, एज अ पर्सनैलिटी वो झंडे गाड़ चुका है. नाउ इन हिज न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ एज अ ओनर ऑल्सो ही बैक्ड फोर बॉयज जो कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट. मतलब ऑफिशियल को छोड़ के थर्ड पार्टी में फॉर द गुड पार्ट ऑफ 2024 बहुत गालियाँ खाई है बेचारों ने, बहुत ट्रोल हुए बेचारे फॉर अ गुड पार्ट ऑफ 2024, बट ही स्टिल बैक देम. एंड वो लड़कों ने भी उसको उतना ही बैक किया एंड सी वॉट इट डिड फॉर हिम. एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हिम, ऑनेस्टली वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई विश मैं उधर होता था कि मैं उसको एक हक दे पाता. आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई ब्रदर स्काउट एंड द फोर फाइव प्लेयर्स और उनकी पूरी टीम जो जीती है. बहुत मजा आया मेरे को इवेंट देख के. सी गोइंग इन टू द इवेंट, हम लोग चार टीम्स की बात कर रहे थे. जी टी एक्स सोल आई थिंक आरजी की भी बात की थी हम लोग ने. काफी ज्यादा फॉर्म में खेल रहे थे वो लोग एंड वही चार टीम्स टॉप में आई हैं तो अच्छा था. सीजी मोगो, मतलब सीजी का भी बात किया था. हाँ मोगो का मैंने कभी बात नहीं किया था, आई डोंट थिंक सो, बट इट वॉज अ वेरी कंपेरेटिव इवेंट और मजा आया देख के लास्ट मैच तक. ऑनेस्टली मिरामार वाला मैच आई थिंक थोड़ा मे बी जोन इधर आ जाता तो मे बी वी हैड अ फाइटिंग चांस इन द लास्ट गेम, बट लाइक नो एक्सक्यूजेज यार. मतलब वो सेकंड लास्ट गेम तक जाना नहीं चाहिए था. ये इवेंट इतना बड़ा आई थिंक गैप होना नहीं चाहिए था जिसके कारण हमको सेकंड लास्ट गेम में वी नीडेड लाइक अ 30 बॉम्बर टू इवन बी इन कंटेंशन. वो नहीं होना चाहिए था बट हो गया, क्या कर सकते हैं.